गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है आवाज चेक करना देख दो उम्मीद करता हूं कि आपकी जेट का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा और नेशनल कैरियर एकेडमी के अपने क्लासरूम नोट्स में से सभी क्वेश्चन अपने क्लासरूम नोट्स से आए हैं और लास्ट की जो अपना लाइव सेशन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व करने का मैक्सिमम क्वेश्चन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन अपने लास्ट के लाइव क्वेश्चन के सेशन से आए हैं जैसे लास्ट का एग्रोनॉमी का पोर्शन था केमिस्ट्री का पोर्शन था बायो का पोर्शन था अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व किया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए हैं अपने तो आज नेशनल कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपन जेट की आंसर की को सोल्व करेंगे इससे पहले आंसर की को अपन स्टार्ट करें आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आंसर की राजस्थान में सभी कृषि विद्यार्थियों तक पहुंचे तो आप इसको सोशल मीडिया वगैरह पे सभी जगह शेयर कर दीजिए तो अपन स्टार्ट करें फिर उस सेशन को आंसर की का ये अपना इस साल का ट्वेल्थ बोर्ड का नेशनल कैरियर एकेडमी का रिजल्ट है जो अपने आप में ये साबित करता है कि राजस्थान में नेशनल कैरियर एकेडमी का रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट है जिसका मुकाबला राजस्थान में किसी संस्थान से नहीं है क्योंकि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ परसेंटेज एग्रीकल्चर में बात करें राजस्थान के टॉप पांच विद्यार्थियों की बात करें जिनका टॉप पांच परसेंट है

एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में 98.33 परसेंट अपने ट्वेल्थ बोर्ड की स्टूडेंट कृतिका की रही है और सेकंड नंबर पे 94.8 इट मींस 95 परसेंट ओवरऑल सब्जेक्ट में पूरे सब्जेक्ट में और एबीसी की बात करें एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तो 96 परसेंट भव्या की रही है दोनों विद्यार्थियों की और नाइनटी से एनसीए के ट्वेंटी जो एनसीई के टोटल 30 स्टूडेंट्स थे ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर उसमें 90 अबव 6 स्टूडेंट की परसेंट है 30 में आउट ऑफ 6 6 स्टूडेंट जो है 90 अबव है जैसे अपन बात करें अपन ने कहा सबसे ज्यादा परसेंट 12वीं बोर्ड में उदयपुर संभाग की टॉप 6 परसेंटेज की जो है ट्वेल्थ बोर्ड का एग्रीकल्चर का रिजल्ट जो था उदयपुर संभाग में प्रथम स्थान से लेकर छठवें स्थान तक स्थान तक एनसीए के विद्यार्थियों का कब्जा रहा जो अपने आप में ये साबित करता है कि एनसीए से बेहतर कोई संस्थान नहीं है चाहे ट्वेल्थ बोर्ड के रिजल्ट की बात करो चाहे आप जेट के रिजल्ट की बात करो इससे बेहतर और इसका मुकाबला किसी भी संस्थान में नहीं किया जाता जैसे अपन बात करें कृतिका की 98.33 एबीसी में और, और ओवरऑल की बात करें तो 96 उसके बाद भव्य की बात करें परसेंट रही थी अपनी तो ये अपने, अपने।, अपने विद्यार्थी जिनका परसेंट ओवरऑल नाइन्टी से अबाउ था जो अपने आप में श्रेष्ठता को साबित करता है तीस विद्यार्थी होने के बावजूद छह विद्यार्थी नाइन्टी से अबाउ जाए ये श्रेष्ठता परिणाम कहीं और नहीं दिखाया जाएगा ये सही और वास्तविक परिणाम आपको बता सकता है कि श्रेष्ठ कौन है चलो अपन क्वेश्चन सोल्व करें। ये तो आपको एनसीए के बारे में बता दिया कि एनसीए का क्या रिजल्ट रहा है अपन आंसर की को सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर की आंसर की की बात करें बहुत सिंपल पेपर था बहुत आसानी सा पेपर था सारे क्लासरूम के नोट से थे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है निम्न में से किस फसल को गरीब का भोजन कहा जाता है तो आपको मालूम है, 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 बाजरा जो जो बाजरे को गरीब व्यक्ति का भोजन कहा जाता अपना एग्रीकल्चर में पूछा गया था वो क्वेश्चन था साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा इजी सा क्वेश्चन विघ्ना मुंगो विग्ना मुंगो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम उड़द का वैज्ञानिक नाम है तीसरा क्वेश्चन पूछा गया एग्रीकल्चर में जूट का रेशा किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है? फाइबर ऑफ जूट इज एक्सट्रैक्ट बाय विच प्रोसेस तो अपन ने तीन परिभाषा की बात की थी जब फाइबर क्रॉप पड़ी थी स्ट्रिपिंग रेटिंग स्टोकिंग तो यहां आंसर क्या आ जाएगा रेसे को अलग करने की जो फाइबर को लूज करने की मैकेनिज्म थी वो क्या कहलाती है रेटिंग कहलाती है और इस रेटिंग का टेम्परेचर भी अपन ने बताया था अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर होता है इस रेटिंग का उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना फूलगोभी में विप्टेल डिजीज किसकी कमी के कारण होती है विप्टेल इन क्योलीफ्लॉवर इज ड्यू टू ऑफ

सोयाबीन की फसल में काम आता है राइज़ोबियम ट्राइफुलाई किसमें काम आता है बरसीम में और आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं थी क्योंकि आपको मालूम है बरसीम का जो साइंटिफिक नेम है बरसीम का वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम बरसीम का वैज्ञानिक नाम है तो ट्राइफोलियम बरसीम को कहते हैं तो राइज़ोबियम ट्राइफुलाई बरसीम में पाई जाने वाली राइज़ोबियम की स्पीशीज है उसके बाद आता है अपना हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है ये अपन ने लास्ट एग्रोनॉमी का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था उस सेशन में भी बात की थी हाइग्रोमीटर जिसका दूसरा नाम क्या है हाइग्रोमीटर को क्या बोलते हैं साइक्रोमीटर हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर से किसको मापते हैं आदरता को मापते हैं हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर की सहायता से किसको मापा जाता है आदरता को तो हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अधिकतम जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जाती है द मैक्सिमम वाटर यूज इफिशियंसी कैन बी अचीव इन ये क्वेश्चन अपने टेस्ट में आई थिंक मैं उम्मीद करता हूँ ज्यादा भी नहीं चार पांच बार ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दे रखा है सबसे ज्यादा जल उपयोग दक्षता सिंचाई की किस विधि की है तो किसकी है बूंद बूंद सिंचाई की विधि की 90 से 95 वाटर यूज इफिशियंसी है ड्रिप मेथड की राम राम लबाणा जी राम राम आई थिंक सारो का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा सभी विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा बहुत अच्छा पेपर था क्लासरूम नोट्स से पेपर था पूरा का पूरा अपना उसके बाद आगे चले अपन निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है विच वन इज मैक्रोनी वीट तो ट्रिटिकम एस्टिवम डाइकोकम वलगेयर और ड्यूरम तो मैक्रोनिवीट कौन सा होता है ट्रिटिकम ड्यूरम मैक्रोनिवीट ट्रिटिकम ड्यूरम इज ए मैक्रोनीट नेक्स्ट क्वेश्चन है धान है राइस इज ए अब यार इसके बारे में भी आई थिंक डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए राइस क्या है एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है धान एक सउपरागित फसल है नेक्स्ट चलते हैं ये भी अपना जो लास्ट एग्रोनॉमी का लाइव सेशन था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का उसमें ये क्वेश्चन भी दिया था मैंने ओस मापने का यंत्र कौन सा है ड्यू इज मेजर बाई ड्रोसोमीटर एग्रोनॉमी का अपन ने लास्ट सेशन जो लिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जिसमें कहा था परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकतर क्वेश्चन इसी में से आएंगे उनमें से आपके पांच क्वेश्चन एग्रोनॉमी के पहुंच लिए उस मापने का यंत्र ड्रोसोमीटर है रेपसीड व सरसों के थाउजेंड सीड का वेट क्या होता है सरसों व रेपसीड जो है इसके हजार बीजों का वजन इट मींस सरसों का परीक्षण भार पूछना चाह रहा है टेस्ट वेट टेस्ट वेट कितना होता है थ्री टू फाइव ग्राम किलोग्राम सॉरी थ्री टू फाइव ग्राम नेक्स्ट चले मृदा में जल का नीचे की ओर गति करना क्या कहलाता है अब देखो मैंने पढ़ाया तब यही कहा था हिंदी शब्द याद ही नहीं करना अपने को और हिंदी मैंने लिखाई भी नहीं थी इनकी परकोलेशन को मैंने परकोलेशन लिखाया और इनफिल्ट्रेशन को इनफिल्ट्रेशन लिखाया था और कहा था अपनी मृदा में से पानी का पहला प्रवेश फर्स्ट एंट्री ऑफ वोटर इन सोइल इज नॉन एज इनफिल्ट्रेशन फिर पानी का मृदा में गहराई में जाना क्या कहा था परकोलेशन तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मृदा में जल का नीचे की तरफ गति करना परकोलेशन कहलाता है नेक्स्ट उड़द व मूंग द्वारा मिट्टी में खालिस्तान किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर स्थरीकरण होती है 40 किलोग्राम के समथिंग उड़द और मूंग नाइट्रोजन फिक्स करता है लेकिन ऑप्शन में 40 किलोग्राम कहीं पे भी अपने को नजर नहीं आता है हो सकता है इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया जाए क्योंकि 40 किलोग्राम ऑप्शन में कहीं पे नहीं आता 40 किलोग्राम उड़द और मूंग फिक्स करते हैं आपकी एनसीआरटी की बुक भी ऐसा ही बोला बोल रही है तो, तो इसका राइट आंसर वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पचास से पचपन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को समझाने में आधा घंटे तक अपन ने इसके बारे में बात की थी हर क्लास में आधा घंटे क्योंकि जब मैं डेफिशियंसी जब बताता था तो में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था पुरानी पत्तियों में सिरा हरी था मीन जो आपकी पौधे की पत्तियां इन वेंस की ये बीच का भाग है इनमें क्लोरोसिस का होना किसकी डेफिशियंसी का सिम्टम बताया था मैग्नीशियम की डेफिशियंसी बताई थी किसकी डेफिशियंसी मैग्नीशियम नेक्स्ट क्वेश्चन एजेटोवेक्टर है एजेटोबैक्टर क्या है एजेटोबैक्टर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसमें बताया था एक आपको सहजीवी और असहजीवी तो सहजीवी नहीं हो सकता तो कौन सा है असहजीवी फ्री लिविंग नाइट्रोजन जीवाणु है एक एजेटोबैक्टर नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्चिड मैनेजमेंट तो क्रॉप इंप्रूवमेंट फसल सुधार बगीचा प्रबंधन के अंदर नहीं आता क्योंकि बगीचे में बात करें तो फसल सुधार का कोई लेना देना उसमें नहीं है उसके बाद सेवनटीन क्वेश्चन एक थोड़ा सा इसमें विवाद है तो इसको अपन अभी एक बार छोड़ देते हैं क्वेश्चन की बात करें इनमें से क्या तना कलम का प्रकार नहीं है नॉट टाइप ऑफ स्टेम कटिंग तो क्या है रूट कटिंग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रूट कटिंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टेम कटिंग निम्नलिखित में से किस पीजीआर का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है कौन से पीजीआर का यूज़ फ्रूट राइपनिंग में किया जाता है तो यूनो you know, इथाइलिन ए वैरायटी ऑफ रक्षक किसकी किस्म है वो सिंपल सा क्वेश्चन है टेस्ट में हजार बार इस क्वेश्चन को दिया हुआ है रक्षक टमाटर की एक फेमस वैरायटी है ग्लैड्यूलस का व्यवसायिक प्रवदन किसके द्वारा किया जाता है कमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफ ग्लेडियुलस इज डन किसके द्वारा किया जाएगा कॉर्म के द्वारा ग्लेडियोडस का जो कमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है कॉर्म के द्वारा किया जाता है फिर बहुत प्यारा क्वेश्चन देखो वे आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेथी का कुल है और मैंने तुम्हारे को यह बहुत बार कहा था देखो कुल वही पूछा जाता है जो डिफरेंट हो आपके मसाले चार थे तीन का कुल एपीसी अम्बेली फेरी था और मेथी का कुल वहां डिफरेंस था लेग्युमिनेसी परिवार का पादप था और लेग्युमसी परिवार का दूसरा नाम फेबेसी है, ऐसा बोला था और पूछ लिया आपके क्वेश्चन ऐसे कैसे तो मेथी किस परिवार का प्लांट है लेग्युमिनेसी या फेबेसी प्लांट का फैमिली का प्लांट है फैमिली फे, ऑफ फेनोग्रिक इज फेबेसी फैमिली का प्लांट है भारत का विश्व में फल व सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है इंडिया रैंक इन ग्लोबल फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन तो सेकंड स्टार है भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है कृतनों के जड़न हेतु मुख्य रूप से कौन सा विकास नियामक इस्तेमाल होता है विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर रूटिंग ऑफ कटिंग्स तो इंडोल थ्री ब्यूटाइरिक एसिड तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंडोल थ्री ब्यूटाइरिक एसिड इसका राइट आंसर है बेर में पौध प्रवर्धन का मुख्य तरीका कौन सा है द मोस्ट कॉमन मैथड ऑफ प्रोपोगेशन इन बेर इज बडिंग कौन सा मैथड है बडिंग बेर में प्रोपोगेशन का मोस्ट कॉमन मैथड है उसके बाद नेक्स्ट बात करें प्याज में बल्ब विकास हेतु उचित तापमान क्या होता है द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर बल्ब डेवलपमेंट इन ऑनियन इज 15 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोपण की हेक्सागोनल प्रणाली रोपण की वर्ग प्रणाली की तुलना में खालिस्तान प्रतिशत अतिरिक्त पौधों को समायोजित कर सकती है हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कैन अकोमोडेट

अब आपने इसमें सिर्फ एक लाइन याद कर रखी थी राजस्थान की प्रमुख मसाले वाली फसल है राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्या फेनुग्रीक। और केवल एक, एक ही ऑप्शन में है मेथी एक ही में है, बाकी कोई से में नहीं है। में इसका मतलब जीरा और मेथी राजस्थान की प्रमुख मसाले वाली फसल फेनुग्रिक तो जीरा और मेथी क्यूमिन एंड फेनुग्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बहुत प्यारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन के साथ-साथ बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा होगा कहीं पे भी बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है आलू के अंदर हाल ही में जारी की गई अतिक सूक्ष्म पोषक तत्वों कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन युक्त आलू की किस्म कौन सी है नेमो प्रेजेंटली रिलीज पोटैटो वैरायटी रिच इन माइक्रोन्यूट्रियटिनोइड एंथोसाइनिन कंटेंट तो कौन सा आंसर आ जाएगा कुफरी कुफरी मानिक, मानिक. मानिक. निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है विच एनिमल अमोंग फॉलोइंग इज रूमिनेट आवश्यकता ही नहीं पढ़ने की क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता थी कि इसको याद करने की आवश्यकता नहीं ऑप्शन में मालूम है अपने को जुगाली करने वाले कुत्ता करता नहीं सुअर करता नहीं मुर्गा जुगाली करता नहीं हो सकता है तुम्हारे कहीं पे घर पे मुर्गा जुगाली करता हो है? हो सकता है जुगाली तुम मुर्गे की तुम करते हो ये मे बी पॉसिबल लेकिन मुर्गा खुद जुगाली नहीं करेगा तुम मुर्गे को खा के जुगाली कर सकते हो तो भैंस इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी भैंस इसका सही आंसर है मजाक कर रहा हूं ऐसा सीरियस मत लेना कभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी जल्द ही आएगी और आप सभी को मैं एक बात बता दूं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी हो सकता है महीने भर में आ जाए डेढ़ महीने में आ जाए लेकिन हमेशा एग्जाम कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन का एग्जाम उसकी तैयारी हमेशा एग्जाम की डेट आने के बाद तैयारी करना बेकूफी माना जाता है वो बेकूफ लोगों की निशानी मानी जाती है हमेशा मेरा ये मानना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी चीज में हमेशा उसकी प्री प्लानिंग से तैयारी होनी चाहिए अपन सुपरवाइजर की वैकेंसी आई उसके बाद दो महीने में एग्जाम हो जाए या तीन महीने में उसका एग्जाम हो जाए इतने जल्दी अपन उसको पूरे सिलेबस को कवर कर पाए या नहीं कर पाए तो

पे है, था है और रहेगा भी नेक्स्ट की बात करें रानी खेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है कॉमन डिजीज़ ऑफ़ पोल्ट्री की एक बहुत कॉमन डिजीज है एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है देडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां स्थित है एनडीडीबी आनंद के अंदर बकरी के वयस्क नर को कहा जाता है एडल्ट मेल ऑफ गोट इज बक कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है कीटोसिस इज ए डिजीज ऑफ रुमिनेंट्स कॉज्ड बाय कार्बोहाइड्रेट एंड वसापशील फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय प्रोजेस्टेन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेट बाय व्हिच ग्लैंड्स तो ओवरी अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विश्व में सर्वाधिक गो जातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है विच पोल्ट्री हैज हाईएस्ट विच कंट्री हैज हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन इन वर्ल्ड तो राइट आंसर इंडिया भारत में बोवाइन पॉपुलेशन में इंडिया फर्स्ट है वर्ल्ड के अंदर मिल्क फीवर में शरीर का तापमान नॉर्मल से क्या हो जाता है कम तो सामान्य से कम मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है पोल्ट्री में कैटल क्रो, में क्रो, क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 60 लास्ट दूध में किस तत्व की कमी होती है मैंने बहुत बार आपको क्लास में कहता था कि अपन मार्केट में दूध पीते हैं और दूध गर्म करने के लिए मार्केट में जब दूध पीते हैं अपन तो कढ़ाई में गर्म करते हैं और कढ़ाई में गर्म किए हुए दूध का टेस्ट अपन घर पे भगोनी में गर्म करते हैं उसकी तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा आता है उस टेस्ट के आने के पीछे लॉजिक है कढ़ाई जो है वो लोहे की है और उसमें आयरन है वो आयरन दूध में मिक्स हो जाता है जबकि दूध में आयरन नहीं पाया जाता है इस वजह से उसका टेस्ट अपने को अच्छा लगता है कढ़ाई वाले दूध का तो दूध में क्या नहीं पाया जाता आयरन नहीं पाया जाता है तो आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरप्रीत मैं ऐसे नहीं बोल रहा जो भी यहाँ से पढ़ा हुआ विद्यार्थी है उससे आप इसके बारे में पता कर सकते हो ऑफलाइन स्टूडेंट में सर्वाधिक सिलेक्शन किसी संस्थान का है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में अब किसी ने टेस्ट सीरीज ले ली ऑनलाइन ले लिया उसका जोड़ के बता दिया जाए वो बात अलग है लेकिन ऑफलाइन बैच में जो आपके पास बैठ के पढ़ा है क्लास में सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगर एनसीए से ज्यादा सिलेक्शन नंबर ऑफ स्टूडेंट में कहीं से हो तो आप मुझे कृपया करके इसके बारे में बता देना ये चैलेंज है क्योंकि एनसीए अपने ही रिजल्ट को दोहराता है तो इसके बारे में आई थिंक झूठ बोलना और ये कुछ समय के लिए हो सकता है झूठ बोल के लोग कर सकते हैं बाकी अपना यहाँ झूठ बोलने का सिद्धांत कभी नहीं रहा तो आई थिंक उम्मीद करता हूं एग्रीकल्चर में आपके 40 में से फोर्टी एक आलू वाला पोटेटो वाला जो था वो बहुत डीप में चला गया उसके अलावा फोर्टी में से थर्टी बहुत सारे स्टूडेंट के राइट होंगे एनसीए में पढ़ने वाले साकरी, बहुत ज्यादा स्टूडेंट के क्वेश्चन राइट होंगे एक पोटेटो को छोड़ दिया जाए वो डीप में चला गया अब आपका नेक्स्ट पेपर सोल्व करने के लिए एनसीए के प्रखंड विद्वान और बायोलॉजी किंग के नाम से मशहूर आ रहे हैं आपको बायोलॉजी का पेपर सोल्व कराएंगे Yes, नमस्कार दोस्तों चलो अपन बायोलॉजी का पेपर सॉल्व करते हैं फटाफट बहुत ही बढ़िया पेपर आया था आपका बायोलॉजी का कोई दिक्कत नहीं थी सारी चीजें आपको पहले समझाई हुई थी देखो अभी आपके सामने अपन उनको लाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रजाति शब्द किसने दिया या टर्म तो है या प्रजाति शब्द है वो दिया था जॉन रेने किसने दिया था सबसे पहले जॉन रेने तो पहले का आंसर है थर्ड दूसरा क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम आर तने में संवहनी बंडल कैसे होते हैं तो ये बंडल होते हैं ओपन यानी खुले संयुक्त यानी कॉन्जॉइंट एंड एंड तो इसका राइट आंसर कौन सा है फर्स्ट ठीक है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि सेल न्यूक्लियस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की सबको आपको याद है केंद्रक से रिलेटेड ही कौन है रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को फोर्थ ऑप्शन जो आपको स्पेशली जोर देके बताया था कि यहां से क्वेश्चन आता है और वो क्या है कि आपसे पूछा है यूकैरियोटिक 40S यूकैरियोट में कौन सा डीएनए मिलता है 80S इसकी दो यूनिट होती है 68S और 40S तो फोर्टी एस जो सब यूनिट है इसमें आ रहे, आर ए आर आर एन की कौन सी सब यूनिट मिलेगी तो इसमें मिलेगी एटीन एस आर आर एन इसका राइट आंसर है सेकेंड अगला क्वेश्चन है एपो मिक्सिस रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ एपो किसके गठन को संदर्भित करता है तो ये किसके गठन को संदर्भित करेगा सीड या बीज एपो की डेफिनेशन ही आपको क्या लिखाई जाती है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी बिना निषेचन के बीज का बनना ही क्या कहलाता है तो इकोलॉजी का जनक या भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसको माना जाता है आपको जाते जाते सभी को याद करवाया कि इसका जनक कौन है रामदेव मिश्रा क्या नाम है रामदेव मिश्रा यहां भी बताया था इंग्लिश वालों को कि भाई स्पेलिंग देख के जाना इसकी ठीक है तो ये भारत के आपको नाम से ही लग जाएगा कि ये भारत के ठीक है फोर्थ की किस परत से विकसित होती है पहली बात तो गैस्ट्रूला में जर्मिनल लेयर्स बनती है जनिक परत बनती है और उसकी जो मीजोडर्म परत होती है उससे किसका निर्माण होता है नोटोकोड का या प्रष्ट रज्जु आपको नर्व कोड नहीं पूछिए तंत्रिका तंत्र के बारे में नहीं पूछा है अगर तंत्रिका तंत्र के बारे में पूछता है तो आंसर जाता एंडो एक्टोडर्म आपसे पूछा है कौन नोटोकॉड प्रश्न तो आंसर किया जाएगा मीजोडर्म ठीक है अगला पूछा है निम्न में से कौन प्रोटोजोआ का उदाहरण नहीं है ध्यान रखना क्या पूछा है नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ तो देखो पैरामीशियम प्रोटोजोआ है युगलीना प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है प्रोटोजोआ नहीं है तो वो कौन है ओबेलिया ओबेलिया किसका एग्जाम्पल है का आपको बताया था इसमें पता मिलता है आपको सबको उदाहरण की भी याद था एग्जाम्पल सबको पता था तो सिलेन ट्रेटा से ये है तो प्रोटोजोआ से नहीं है आंसर साफ है दोनों तरह से आप कर सकते हो ये तीनों प्रोटोजोआ के ये सिलेंट्रेटा का है तो आपको सीधा ये आंसर टेक करना है अगला अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ट्राइकोडर्मा इज यानी ट्राइकोडर्मा क्या है तो ट्राइकोडर्मा क्या है फंजाई और फंजाई की भी आपको अलग अलग क्या है क्लासिफिकेशन बताया था उसमें में आप किसको पढ़ते हो ट्राइकोडर्मा को तो आंसर क्या हो गया फंजाई आपको सिर्फ ये पूछा है कि ये फंजाई है बैक्टीरिया है ईस्ट है एक्टिनोमाइसिटीज है तो ड्यूटेरो अगला क्वेश्चन है भोजन में नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है अरे नियासिन कौन है भाई विटामिन बी थ्री वाइटामिन बी थ्री क्या हो जाएगा niacin, causes, तो आपको पता होना कौन सा सिम्टम है विटामिन बी थ्री की से तो आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछा पहले तो आपको पता होना चाहिए नियासिन किसका नाम है विटामिन बी थ्री का और उसकी कमी से कौन सा होता है पैलेग्रा तो टेंथ का आंसर क्या है फर्स्ट एबीओ प्रणाली में रक्त समूह ओ की विशेषता है इन द द सिस्टम ब्लड ग्रुप ओ इज बाय आपसे पूछा है ओ के बारे में कौन सी बात सही लिखी हुई है तो आपको मैं तो बताता ही ऐसे था कि ओ मतलब जीरो पहले इसको कौन सा ब्लड ग्रुप कहते थे जीरो जीरो कैसे लिखा आप बताओ ब्लड ग्रुप का नाम किसके बेसिस पे है कि उस पर कौन सा एंटीजन है और इस पर जीरो एंटीजन मतलब कोई एंटीजन नहीं है तभी तो उसका नाम ओ ब्लड ग्रुप है तो यहाँ थर्ड में आपको लिखा हुआ है एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों की अनुपस्थिति एबसेंस ऑफ बोथ एंटीजन ए एंड एंटीजन बी यानी इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है सबको पता है आपको तो आंसर क्या हो गया थर्ड अगला आंसर अगला क्वेश्चन है कि अनुपर्णी पत्तियां पाई जाती हैं स्टिप्यूल लीव्स आर प्रेजेंट इन तो ये कहां प्रेजेंट होती है बच्चों फावेसी के अंदर जो फैबेसी फैमिली है उसके अंदर कौन सी पत्तियां होती हैं अनुपरणी या स्टिपलेट लीव्स ठीक है इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि परिरंभ में द्रढ़त्व की अर्धचंद्राकार पट्टियां पाई जाती हैं सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेंट कायमा इन पेरीसाइकल आर प्रेजेंट इन कहां प्रेजेंट होते हैं तो इसका आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है डाइकॉट रूट ठीक है मूल में अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक जीन कहां पाए जाते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर फाउंड इन तो ये है क्रोमोसोम फर्स्ट कितने हैं टू नाइन सिक्स एट सबसे कम किस पे होते हैं वाई पे टू थर्टी वन तो आंसर जाएगा इसका कौन सा क्रोमोसोम फर्स्ट निम्न में से कौन सी कवस, कवक खाने योग्य नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज नॉट एडिबल तो ये तो बीमारी करती है तो आपने पढ़ी होंगे बीमारी तो ऑस्टी लोगो जो ऑस्टीलोगो कवक है ये कौन है ये खाने योग्य नहीं है इसको अपन एडिबल खा नहीं सकते अगला जो मैंने लास्ट में आपको लाइव क्लास ली थी उसमें सेम क्वेश्चन दिया था लेकिन इसमें उन्होंने एक मिस्टेक की कि मैंने जो क्वेश्चन छापा था आप देखना लास्ट क्लास की गलती से या मैं कहूँ बाई चांस क्या लिख दिया है स्टार्च क्योंकि स्टार्च तो ग्लूकोज का बहुलक होता है इसमें तो बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी बार चलाना पड़ता है छह बार तो बहुत सारे ग्लूकोज की तो आप कैसे कह सकते हो कितनी बार तो इनको स्टार्च की जगह क्या लिखना चाहिए था ग्लूकोज तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है सिक्स यानी हाउ मेनी टर्न ऑफ सी थ्री साइकिल अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके अतिरिक्त तो सभी में एक से ज्यादा पीजीआर मिलकर घटना को प्रभावित करते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग मोर देन वन पी टू अफेक्ट द इवेंट एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा है जिनको एक से ज्यादा पीजीआर इफेक्ट नहीं करते तो वो कौन सी प्रोसेस है बोल्टिंग बोल्टिंग को एक से ज्यादा पीजीआर नहीं करते हैं भाई अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड यानी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस के बीच का अंतर यानी इंटरमीडिएट पूछा है तो आप देखो ग्लूकोज टूटेगा और ये टूटता है पाइरुविक एसिड में पाइरुविक अम्ल में ये तो होता है किसमें ग्लाइकोलाइसिस में और पाइरुविक एसिड कन्वर्ट होता है टूटता है एसिटाइल कोए में किसमें टूटता है एसिटाइल कोए में और फिर ये एंटर करता है किसमें टीसीए या क्रेब साइकिल में तो इनके बीच में कौन बन रहा है भाई एसिटाइल कोए तो आंसर जाएगा एसिटाइल कोए ठीक है अगला क्वेश्चन रिपीट है पिछली साल जो आया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिया है आपको वो कि एक एक तो है, है? जब मेल जर्म या फीमेल जर्म सेल्स के अंदर क्या होता है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन तब गैमिट बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन होगा इसका मतलब मतलब आधे हो जाएंगे गुणसूत्र तो इसमें एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का यानी हमारे अंदर क्रोमोसोम होते हैं ऐसे डबल हर क्रोमोसोम की एक कॉपी मिलती है और इनके ऊपर जो जीन होते हैं समान लोकस पर दो उनको एलील कहते हैं तो बताओ अगर ये आधे हो गए तो एलील एक ही मिलेगा जीन का केवल एक ही एलील मिलेगा तो वही आंसर हो जाएगा जीन का केवल एक एलील ओनली ओनली वन एलील ऑफ अ जीन तो आंसर सेकंड द वर्कर बी इन हनी बी कॉम्स आर मधुमक्खी के छत्ते में वर्कर भी या जो श्रमिक मधुमक्खी होती है कौन सी मधुमक्खी श्रमिक उसका निर्माण कैसे होता है तो देखो इसका आंसर जाएगा कि ये स्टेराइल फीमेल होती है या बांझ मादा होती है मधुमक्खी के अंदर होता क्या है जो गैमिट बनते हैं एन एन सिक्सटीन क्रोमोसोम वाले इनके अंदर इस एन से सीधा तो बन जाता है मेल एन ही होता है मेल के अंदर सोलह ही होते हैं एन होता है ये बिना किसी निषेचन की प्रोसेस के बताओ निषेचन को तो दो गए मिर्ची ये ऐसे कैसे बन जाएगा इसका मतलब ये तो हो गया मेल ये अनिशेचित अंडे से या अनफर्टिलाइज्ड एग से बनाए ठीक इसके साथ गैमिट फ्यूज होगा और इससे बनेगी क्या फीमेल ट्वेन बनेगी इस ट्वेन के दो भविष्य एक तो इसको रॉयल जेली खाने को मिलेगी एक नहीं मिलेगी अगर रॉयल जेली खाने को मिल गई तो तो बन जाएगी एक क्यूइन या रानी और नहीं मिली तो क्या बन जाएगी वर्कर मादा और वर्कर मादा या स्टराइल फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ज्यादा डेवलप नहीं होते तो वो स्टराइल होती है कैसी होती है बांझ होती है तो इसका आंसर क्या जाएगा बांझ मादा या स्टराइल फीमेल ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सब जगह करवाया हर टेस्ट में इस टाइप का क्वेश्चन दिया है आपसे क्या पूछा है स्तनधारियों में 12 द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट एवं 12 द्वितीयक ओसाइट द्वारा कितने शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है तो सेकंड 12 सेकंड इधर देखो हाउ मेनी स्पर्म्स एंड ओवा आर फॉर्मड फ्रॉम 12 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड 12 सेकेंडरी ओसाइट्स इन मैमल्स तो 12 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से एक से दो बनते हैं तो 12 से कितने बनेंगे 24 एक द्वितीयक ओसाइट से कितने बनते हैं एक द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं दो तो बारह से कितने बन जाएंगे चौबीस. तो 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 हो 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 गए और उस साइड तो चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राथमिक एक से? एक तो से तो किसी का गलत नहीं होगा मुझे पूरा विश्वास अगला अगला आपसे पूछा है जो पिछली साल भी आया था मतलब इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि आपको इन जो टेक्स होना इनमें से चार पांच को दे दिया और उससे पूछ ली सिर्फ तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है एक तरह से और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी क्या बताई थी काली पहाड़ी चलें और फिर घूमेंगे स्कूटर पे इधर से देखते जाओ सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन स्पीसीज स्पीसीज आ रही है उसके बाद जीनस जीनस के बाद फैमिली फैमिली के बाद क्या जाएगा ऑर्डर ऑर्डर के बाद डिवीजन मतलब किंगडम तो पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया बाकी को आप मैच करके देखना कहीं ना कहीं सिक्वेंस को क्या कर रखा है चेंज कर रखा है। तो बस आपको, पे। और आपको अगला आपसे पूछा है अर्ध सूत्री विभाजन में स्नेपिस किसके दौरान होता है मैंने जो आपको लास्ट लाइव क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो कराया था कि क्रॉसिंग ओवर में होता है या जीन विन में किसमें होता है तो जीन विन में होता था किसमें पैकाइटिन में और मैंने पूरा क्रॉसिंग ओवर आपको समझा रखा है इसका मतलब स्नैपसिस या युगली बाइवेलेंट जो बनता है दो होमोलोगस क्रोमोजोम या दो समझात गुणसूत्रों की ऐसे पेयरिंग होती है जोड़ा बनता है युग्मन होता है वो किसमें होता है जाइगोटीन में है। तो प्रोफेज फर्स्ट की जाइगोटीन अवस्था में स्नेप्सिस हो रहा है इसका आंसर क्या हो गया थर्ड निम्नलिखित में से कौन रासायनिक रूप से ए बी ए के समान है विच ऑफ केमिकली आइडेंटिकल टू ए बी ए आपसे पूछा है केमिकली या रासायनिक रूप से ए बी ए जैसा कौन है उसके समान कौन है तो कौन है डोरमिन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डोरमिन अगला अगला आपसे पूछा है बहुत सरल क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस फाइलम के जंतुओं में शरीर में गुहा पाई जाती है एनिमल्स ऑफ विच ऑफ कैविटी इन दियर बॉडी आपसे बात की है, सीलोम की दे की तो मैंने आपको दे के आधार पर कितने प्रकार के एनिमल बताए थे तीन एक तो हुई है जिनमें दे नहीं होती एक आवासी दे हुई है ए सिलोमेट एक आवासी है और आवासी हुई है में कौन था एस के और उसके बाद वाले सारे कैसे थे वास्तविक पाई जाती है तो देखो एस के हेलमन से आगे कौन आता है एनलिडा तो एनेलिडा से आगे आगेटा तक सबके अंदर सिलोम मिलती है और प्लेटी पहला ऐसा था जिसमें तो आ गई थी लेकिन उसमें देखवा नहीं मिलती थी उसको ए सिलोमेट कहा था तो पहली बार वास्तविक ट्रू सिलोम शु, जो मिली थी वो कहा मिली थी में मिली थी तो एनेलिडा से स्टार्ट कर दिया अपन एनल क्या हो गया आंसर ये होता है ए सिलोमेट एग हुई है इनमें देखो नहीं होती इनको भी सेलुलोमेट की कैटेगरी में रखना पड़ेगा ठीक है तो इसका आंसर हो गया फोर्थ अगला पूछा है जल में सूक्ष्म जीवों के साथ पूर्व उपचार करने की एक प्रक्रिया जो जूट में फाइबर बंडलों को केंद्रीय तने से अलग करती है एवं लकड़ी के ऊतक से तंतुओं को ढीला करती है उसे क्या कहते हैं

चने की फली छेदक कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है The scientific name of gram borer is, इसका आंसर है वर्पा आर्मी जेरा. क्या आंसर है वर्पा आर्मी जेरा. देखो आप देखोगे इनको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा गया है तो ये साइंटिफिक नेम लिखने का क्या है तरीका है इसका राइट नेम क्या है वर्पा आर्मी जेरा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमिलित आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली कह रहा है जबकि आप मतलब, जब आपको पता होगा ह्यूमन बींग का नाम ही क्या होता है होमोस्पेपियंस पहले किसको लिखते हैं जीनस को तो होमो तो इसका जीनस है और इसमें क्या बताई गई है स्पीसीज तो का वंश है प्रजाति नहीं है तो ये गलत हो गया भाई पैंथेरा शेर का प्रजा शेर की प्रजाति है लियोन की जो स्पीसीज है वो पैंथेरा नहीं ये भी जीनस है लियोन का नाम क्या है पैंथेरा लियो इसका मतलब ये भी इसका जीनस है वंश है तो ये भी गलत हो गया बिल्ली फेलिस जीनस अरे बिल्कुल बिल्ली का जीनस क्या होता है फेलिस तो ये इसका क्या हो गया राइट आंसर आपने देखा होगा कि जो बिल्ली जो मैमल्स के अंदर जो साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताए थे तो मैंने बताया था इस सब वंशों के नाम लिखे हुए जैसे मनुष्य का बताया था क्या होमो एलिफेंट का एलिफस डॉग का कैनिस बिल्ली का फेलिस वो सारे जीनस के नाम ही लिखे हुए तो फेलिस किसका जीनस होता है कैट का है बिल्ली का तो आंसर क्या है थर्ड स्नायु या लिगामेंट निम्नलिखित में से किन दो को जोड़ता है लिगामेंट कनेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग अरे आपको ट्रिक ही बता रखी है दो ट्रिक बताई थी बी एल बी और बी टी एम यानी बोन बोन को बौन से कौन कनेक्ट करेगा लिगामेंट प्लस लिगामेंट और टेंडन कंड्रा और स्नायु दोनों ही पहले आ चुके हैं क्वेश्चन और ये मैंने आपको बताया था यहां से दोनों क्वेश्चन पूछ ले जा चुके हैं तो लिगामेंट किसको जोड़ता है बोन को बोन से हड्डी को हड्डी से पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त पॉलीमरेज़ का एक है। अ सोर्स ऑफ़ पॉलीमरेज़ यूज इन पीसीआर टेक्निक आपको पता है उस बैक्टीरिया का या जीवाणु का क्या नाम है थर्मस एक्विटिकस क्या नाम है थर्मस एक्विटिकस और वो बैक्टीरिया कैसा होता है थर्मोफिलिक कैसा होता है थर्मोफिलिक यानी ये उच्च तापमान पर क्या कर लेता है काम कर लेता है अगर आपने तापमान ज्यादा कर दिया तो ये इसमें नहीं होगा तो आंसर आ गया थर्मोफिलिक बैक्टीरिया और ये भी अपन ने आपको बताया हुआ है बायोटेक पीनियल ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है पीनियल ग्लैंड ऑन तो पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है फोर ब्रेन में अग्र मस्तिष्क में होती है है ना जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं ना उनके बीच की पोजीशन में तो आप पहले देखो मध्य मस्तिष्क गलत मिड ब्रेन गलत हो गया भाई फर्स्ट मस्तिष्क गलत हाइंड ब्रेन गलत दोनों में अग्र मस्तिष्क है लेकिन अग्र मस्तिष्क की उदरीय और पृष्ठीय है तो ये होती है पृष्ठीय या डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन फोर ब्रेन की जो डोर्सल साइड है पृष्ठ सतह उसमें कौन सी ग्लैंड मिलेगी आपको पीनियल ग्लैंड अगला है पोएसी में पाए जाने वाला फल का प्रकार भाई कैरियोप्सिस फैमिली के अंदर कैसा होता है फल कैरियोप्सिस प्रकार का होता है अगला है ट्राइकोग्रामा प्रजाति किस पर परजीवी है ट्राइकोग्रामा जो स्पीसीज है वो किसके ऊपर पैरासिटिक होती है तो ये स्पीसीज पैरासिटिक होती है किसके एग के या अंडे के ऊपर

तो ये काइटनस सेल वॉल होती है इसलिए अपन कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा या कवक। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे द स्टॉक ऑफ फ्लॉवर इज नॉन एज पुष्प की डंठल को क्या कहते हैं तो पैडी सेल या व्रंथ कहते हैं Which इज द मेजर ट्रांसलोकेटेड sugar इन मोस्ट ऑफ द प्लांट यानी अधिकांश पादपों में कौन सी शर्करा होती है तो सुक्रोज होती है क्यों क्योंकि ये एक अक्रिय या निष्क्रिय है, सुगर है।, इनर्ट सुगर है ये किसी दूसरे सब्सटेंस से क्रिया नहीं करती तो प्लांट्स के अंदर जो फूड बनता है किस फॉर्म में बनता है ग्लूकोज में ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में किया जाता है सुक्रोज में और स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है स्टार्च में तो सुक्रोज के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि सुक्रोज एक इनर्ट है, है। एक अक्रिय सुगर है। अगर आपने ध्यान तो 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 रखना सुक्रोज इसका सही आंसर वह पादप हार्मोन जो शीर्ष प्रमुखता को विनियमित करता है उसका आंसर है ऑक्सिन ऑक्सिन क्या करता है एपिकल जो ए, एपिकल डोमिनेंस है इसको क्या करता है रेगुलेट रेगुलेट का मतलब आपको यहाँ पे अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ऑक्सीजन तो एपिकल डोमिनेंस के लिए जाना जा रहा है इसका मतलब आंसर क्या हो गया ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द रूट्स इज आल्सो नोन एज रूट हेयर जोन आपने रूट की स्ट्रक्चर देखी होगी तो जो सबसे ऊपर वाला जोन था उसमें ही तो रूट हेयर निकले रहते हैं और वो जोन कौन सा होता है कोशिका परिपक्वता क्षेत्र या रीजन ऑफ सेल मैचुरेशन आंसर हो गया fourth. अगला ऑप्शन है आपके पास इन हनी बी ड्रोन्स मेल प्रोड्यूस बाय ड्रोन्स का मतलब मेल नर अभी मैंने बताया आपको नर किससे बन रहा था मेल किससे बन रहा था एनिषेचित अंडे से या अनफर्टिलाइज्ड एग से यानी मधुमक्खियों में नर मधुमक्खी का जन्म किससे होता है तो अनफर्टिलाइज्ड एग से अनिश्चित अंडे से अनिश्चित अंडा एन जो है सीधा सीधा क्या बनाता है ड्रोन बनाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस अकर्स ड्यू टू द इनकम्पेटेबिलिटी ऑफ आपसे सिर्फ जब इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई तो बताया था इसमें से क्वेश्चन बनने का ये एक बहुत बढ़िया तरीका है कि आपसे पूछेगा ये कब होगी और दूसरी बात मैंने आपको यह भी कहा था कि कम से कम टॉपिक का नाम तो आप इंग्लिश में याद रखो हिंदी मीडियम वालों तो फीटेल इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपन गर्भ रक्ताणु को रक्ता वैसे आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि से रिलेटेड एक ही बीमारी पढ़ाई थी मैंने आपको और यह बीमारी कब होती है जब मेल तो होता है आर पॉजिटिव फीमेल यानी मादा होती है आर नेगेटिव और जो एम्ब्रियो है या भ्रूण है ये एम्ब्रियो या भ्रूण होता है आर एच पॉजिटिव ये तीनों कंडीशन लिखाई थी आपसे आप कोई दो लिख देगा मैंने आपसे कहा था कि नर आर एच पॉजिटिव होना चाहिए मादा आर एच नेगेटिव और एम्ब्रियो या फीटस जो है वो कैसा होना चाहिए आर एच पॉजिटिव आपसे सिर्फ सिर्फ मादा को और फीटस को लिख दिया हो सकता है नर मादा को लिख देता तो मादा कैसी होनी चाहिए फीमेल नेगेटिव फोर्थ में दे रखा है फीमेल नेगेटिव और एम्ब्रियो कैसा पॉजिटिव तब ये कंडीशन होती है ठीक है तो ये बायोलॉजी के थे बहुत बढ़िया पेपर आया था आप सभी ने क्या किए होंगे बहुत सही सारे क्वेश्चन सही किए होंगे क्योंकि तो जो आपको पढ़ाया उसमें सारा पेपर था ठीक है और अब आपके जो केमिस्ट्री के हमारे सर हैं डॉक्टर प्रीतम सर वो आपको बताएंगे केमिस्ट्री की आंसर की तो सब बने रहे उस हाथ में गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आज जेट का पेपर था और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म किया और बहुत अच्छा पेपर था कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे जो कुछ क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन होते भी हैं इस पेपर में भी थे लेकिन फिर भी आप लोगों को जितने भी अपन ने क्वेश्चन आपको टेस्ट में करवाए टेस्ट में से यू के क्वेश्चन थे मैराथन क्लास में से आपके क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अपने क्वेश्चन करवाए थे और मतलब आपकी कॉपी से बाहर भी एक्जैक्टली जो अपन बात करते आते हैं हमेशा की तरह वो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं थे बहुत सिंपल और सिस्टमेटिक पेपर था हाँ थोड़ी सी लैंग्वेज की इन्होंने इश्यूज थोड़े से रखे हैं पेपर में क्योंकि उसको कन्वर्जन किया हुआ था लैंग्वेज को बट फिर भी आप पेपर को देख देख के आराम से चीजें सकते हैं कि पेपर बहुत ही सिस्टम का था और कट ऑफ वगैरह पर भी अपन बात करेंगे एक बार अपन बात उसके क्वेश्चन के आंसर पे अपन कर लेते हैं और केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर और डिटेल में अपन नहीं जाएंगे चीजें आपको बताते रहेंगे पहला क्वेश्चन है ये ए सीरीज का क्वेश्चन अपन पेपर करवा रहे हैं आप लोगों को ये जो अपन पेपर चल रहा है सीरीज ए का है पहला है पहला क्वेश्चन एक एक गैसीय मिश्रण में में वजन के के अनुसार अनुपात अनुपात ऑक्सीजन नाइट्रोजन का होता है तो उनके अणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा वो अपने को यहाँ पर देखना है तो सीधी सी बात है अपने को मल्टीप्लाइड हो जाए सात सौ को हो जाएगा तो सात अनुपात चार के अकॉर्डिंग इसमें बत्तीस तो थर्ड आंसर इसमें अपने पास ऑप्शन फर्स्ट वाले का आंसर आपका थर्ड है सात अनुपात बत्तीस फर्स्ट वाले का आंसर थर्ड है सेकंड आंसर है इसका बेटा एक पांच पॉइंट छह लीटर गैस है एस पर वजन आठ ग्राम के बराबर है तो गैस का बासगन क्या होगा अपन ने बताया अनुभार बटे दो होता है मेजर uh, जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही थी अभी लास्ट वाली बत्तीस तैतीस पेपर था उसमें तो ये अपने पास किसके बराबर हो गया एक बटे चार मोल के बराबर हो गया और एक बटे चार मोल का कितना आ रहा है आठ तो एक मोल का कितना हुआ बत्तीस और बत्तीस बटे दो कितना आ जाएगा सोलह तो वासगनोत क्या हो जाएगा इसका 16 बास्कना तो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है सेकंड है 16 ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर 16 है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड मैथेन एथेन और एथेन में कार्बन परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल का प्रतिशत एस कैरेक्टर प्रतिशत एस लक्षण पूछे थे मैथेन में CH4 संकरण है एथेन में आपके पास क्या होता है C2H4 होता है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH तो यहां पर संकरण SP3 है यहां पर SP2 है यहाँ पर sp है sp3 में 25% sp2 में 33% और sp में 50% तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपके फर्स्ट है 25 33 और 50% इनके प्रतिशत इस लक्षण का रहेगा क्वेश्चन नंबर आपके पास फोर जो आ रहा है hpo4-2 का संयुग्मी अम्ल है तो मैंने आप लोगों को बोला था भाई इसका आप क्या कर लो पहचान लो कि ये अम्ल है के चार है तो HPO4- 2 HPO3-2 इसका संयोग में पूछा तो ये खुद क्षार है और क्षार क्या होते हैं जिनमें H+ जुड़ता है तो H+ आप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा H2PO3-2 क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर थर्ड है H2PO3- H2PO3- ओके बाकी जितने भी सेट है उनकी सबकी आंसर की डाल के अपन आपको उसमें अपलोड कर देंगे इसके नीचे तो देख लेना ये ए सीरीज का है फिर है हंड्रेड एम एल एम स्पोर और सो एम एल एन एच को मिलाया जाता है तो ब्रिलियन का परिणाम कैसा होगा तो आपको पता है एन वन बी वन इक्व क्या होता है एन टू बी टू वाला अपन ने बात किया था लेकिन यहां मोलरिटी में दे रखी कंसेंट्रेशन और मोलरता को नॉर्मलता बदलने के लिए एच एच मल्टीप्लाई कर देते हैं

के साथ क्रिस्टलीकृत होता है तो पोटेशियम जो है वो बीसीसी संरचना बनाता है कैसी संरचना बनाता है बीसीसी संरचना बनाता है तो ये सेकंड आंसर इसका हो जाएगा शरीर केंद्रित घन जालक या काय केंद्रित घन ये का कोष्ठक अपन बोलते हैं तो बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है इसमें ठीक है तो क्वेश्चन नंबर छह का आंसर आपके पास हो जाएगा सेकंड बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल

ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके मोमेंट का था लेकिन ये क्वेश्चन आपके एक ये थोड़ा आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है और ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है तो इसलिए इसका एग्जेक्टली थोड़ा सा एरोमेटिक और उसका कॉम्बिनेशन है इसके चांसेस है एग्जैक्टली सेकेंड आंसर लेकिन थर्ड भी यहाँ पर हो सकता है तो सेकंड और थर्ड में से एक बार कंफ्यूजन थोड़ा तो अपन देख लेंगे बट सेकंड के चांसेस यहाँ पर ज्यादा है तो क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर सेकंड आपको मान के चलना है लेकिन ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था करने वाला क्वेश्चन था नहीं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने से नहीं हो रहे अपने को छोड़ देने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन एचन की कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़ना किसका उदाहरण है ये क्वेश्चन नंबर दो में भी आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2021 में भी आया हुआ है 22 में भी आया है मैंने बोला था लगातार क्वेश्चन आ रहा है और इस बार भी आया है और, को थे, कीटोन और कीटोन की कार्बोनिकिएक्शन होती, होती, होती है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गई नाभिक भी किसने योगात्मक क्रिया क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है थर्ड ओके नेक्स्ट है कौन सा एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है तो कौन सा ऑर्गेनोफॉस्फेट है फेनिट्रोथियन फेनिट्रोथियन ऑर्गेनोफॉस्फेट है क्वेश्चन नंबर दस का आंसर तीसरा है क्वेश्चन नंबर ग्यारह जो है क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्षार को मिट्टी में पुनः प्राप्त किया जा सकता है ठीक है एल्कली सोयल आर रिक्लेमेंट बाय क्वेश्चन नंबर इलेवन का आंसर है थर्ड जिप्सम को मृदा संशोधन के रूप में प्रयोग करना

थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्लोरीन में निम्नलिखित में से प्लस पांच ऑक्सीगन होती है तो यहाँ पर कितनी आएगी जीरो पर कितनी आएगी प्लस चार यहाँ पर आएगी प्लस पांच यहाँ पर आएगी प्लस सात प्लस पांच पूछ रहा है तो एच सी एल ओ थ्री में प्लस पांच होगी तो क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर क्या जाएगा बेटा थर्ड क्वेश्चन नंबर तेरह का आंसर थर्ड क्वेश्चन नंबर चौदह एक्स एफ सिक्स में डायरेक्ट आपको लिखवाया हुआ था एक्स ए एफ सिक्स में संकरण क्या होता है

फ्लोकुलेशन हो जाता ठीक है या उर्णन मतलब कोएगुलेशन होता अवक्षेप तो यहां पर आंसर क्या आएगा पेप्टिकरण है ताजा अवक्षेप में कोलाइड अवस्था में बदलने की क्रिया पेप्टिकरण है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा 18 अंतिम इलेक्ट्रॉन की चार क्वांटम संख्याएं है? हैं n बराबर पांच है l बराबर अब l बराबर 0 किसके लिए होता है s के लिए होता है सीधी सी बात है एल बराबर जीरो तो से आ गया ये फिर? S से आ गया, तो क्वेश्चन नंबर का पहला आ गया? 19, नहीं होता सी एल नहीं होता तो इसका नाम क्या होता एथेनोइक एनहाइड्राइड एथेनोइक एनहाइड्राइड ठीक है अच्छा अब इसमें क्या आ गया सी एल आ गया तो क्या हो गया क्लोरोनोक एनहाइड्राइड और कितने ग्रुप है ये दो तो नाम क्या हो जाएगा बिस एथेनोइक एनाइड्राइड ठीक है क्योंकि इधर भी सेम ग्रुप है और इधर भी सेम ग्रुप है ठीक है और दो ग्रुप आ जाते हैं क्या बोलते है थे बिस तो क्या नाम हो जाएगा बिस क्लोरो एथेनोइक एनाइड्राइड बिस किलोरोनोइनहाइड्राइड क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है फर्स्ट 19 का आंसर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20

विस्तारित मिट्टी खनिज है तो इलाइट गैर विस्तारित मिट्टी 22 का आंसर है सेकंड बाईस का आंसर सेकंड है इलाइट इक्कीस का फर्स्ट 22 का सेकंड तेवीस तेवीस छह ग्राम कार्बन में मौजूद मोलों की संख्या है मोल कैसे निकालते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार द्रव्यमान कितना 6 बारह जीरो पॉइंट पांच मोल ठीक है तो 23 का आंसर हो जाएगा दूसरा निकल का परमाणु क्रमांक 28 है इलेक्ट्रॉनिक एक बिना लिखवाया हुआ था निकल का 3d8 4s2 24 का आंसर क्या हो जाएगा दूसरा 24 का आंसर क्या हो जाएगा दूसरा आ जाएगा 25 विद्युत ऋणता का सही क्रम है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको ध्यान है फोन कल ठीक है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन फोन कब करेंगे कल एफ ओ सी एल बी आर सेकेंड आंसर हो जाएगा 25 का 25 का आंसर क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट में से किसकी आकृति क्या है, तो इन तीनों में, इन में SP2 है जीरो लॉन पेयर एसपी टू में होता है त्रिकोणीय समतलियल थ्री में होता है त्रिकोणीय तो छब्बीस का आंसर है पीसीएल थ्री मतलब सेकेंड छब्बीस का आंसर दूसरा है सेकंड सी एल टू सी एल की संख्या कितना है प्लस सात सीएल सी प्लस निकालना आपको बताया ही था क्वेश्चन नंबर जब चूने में पानी डाला जाता है तो अभिक्रिया क्रिया कैसी होती है तो चूने जो मैंने आपको बताया था धातुओ के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया होती है ठीक है तो वो जल की क्रिया हमेशा उष्मा छेपी होती है तो उष्मा छेपी होती है चूने में पानी अपन जो डाल रहे हैं तो उसमे क्रिया रहेगी तो 28 का आंसर तीसरा है। किस यौगिक को बुझा हुआ चूना कहा जाता है तो सी एच का होता तो आंसर जाता तो बुझा हुआ चूना सी एच का होल्टवाइ तीस भू प्रपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है ऑक्सीजन मैंने आपको बताता छियालीस पॉइंट परसेंट रहता है और दूसरे नंबर पर कौन आता है

मेटा है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है जिसके मौलिक विश्लेषण में अड़तीस पॉइंट इकहत्तर परसेंट कार्बन नौ पॉइंट सत्तर परसेंट हाइड्रोजन उपस्थित है इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा सेम क्वेश्चन आपको अपन ने दिया हुआ है अपने आंसर तो जाएगा ठीक एक कार्बन तीन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आएगा सी एस थ्री थ्री का साथ हुआ टू पी और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं है? छह में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं बेटा छह जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर चौतीस का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास चौथा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चौंतीस का आंसर चार और चौथा मतलब छह आंसर इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो पहली वाली कोई भी परिवर्तन नहीं है तो फर्स्ट वाली रेडॉक्स क्रिया नहीं है बाकी जो है वो रेडॉक्स क्रिया आपकी होंगी तो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव का आंसर फर्स्ट है

पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त होता है तो द्वारा पीवीसी योगात्मक योगात्मक से होता है है 37 का पास क्या चौथा नाइलॉन सिक्स सिक्स ठीक है नाइलॉन सिक्स क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट निम्नलिखित जीव में से कौन सा मिट्टी में उच्चतम बायोमास तो कवक क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का आंसर है तीसरा कवक उनचालीस एक ऐसी लवणीय तो क्या 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 तो मिट्टी कहते हैं क्या कहते हैं लवणीय मृदा उनचालीस का आंसर हो जाएगा तीसरा और चालीस कौन सा मिट्टी में अम्लता पैदा करता है तो अमोनियम सल्फेट सल्फेट में ऐसा ग्रुप है आप जानते हैं तो अमोनियम सल्फेट इसमें अम्लता प्रदत्त करता है तो आपके 38 का तीसरा हो गया 39 का भी तीसरा हो गया और 40 का आंसर पहला हो गया ठीक है बेटा तो कट ऑफ का अपन गवर्नमेंट कहाला की कट ऑफ के हिसाब से अपन पूरा एक अलग से और वीडियो बनाएंगे ये आप लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन था फिर भी आप एक नॉर्मल सा देख के चलें कि 290 से 300 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जानी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो कट ऑफ जाएगी 290 से 300 के बीच में जाएगी एस वालों के लिए बीस से तीस नंबर का कम कर लेंगे टीएसपी वालों की जो कट ऑफ जाएगी वो डेढ़ सौ के आसपास जाएगी टीएसपी वाले बच्चों की जो कट ऑफ रहेगी वो डेढ़ सौ के आसपास रहेगी ये आपकी आंसर की थी बेटा पच्चीस तारीख से अपने इलेवन ट्वेल्थ के फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहे हैं जेट आईसीआर का ईयर बैच स्टार्ट हो रहा है और सुपरवाइजर का भी अपने बैच स्टार्ट हो रहा है तो ये सारे अपने नए बैच पच्चीस तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं जो भी बच्चे एनसीए परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं एनसीए के साथ उड़ान भरना चाहते हैं और अपना रिजल्ट आगे करना चाहते हैं तो वो सारे अपने एडमिशन अपना करवाएं और अपनी पढ़ाई जारी कर दें जिनको लॉन्ग इर करना है और सुपरवाइजर वगैरह जिसकी भी आपको तैयारी करनी है वो सारी चीजें आप उसमें से सिस्टम से कर दे बेटा और कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं थैंक यू बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एन से जुड़ने के लिए और आगे अपनी मेहनत करते रहें पढ़ाई करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद